नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो किया है, चाहे हम बात करें गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की या फिर कर्नाटका की। एक के बाद एक करके कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस दी गई है। लेकिन दोस्तों, यदि हम अपने बिहार की बात करें तो हमारा जो बिहार है अभी वंदे भारत एक्सप्रेस से काफ़ी दूर है। बिहार के जो आसपास के प्रदेश हैं उनमें भी वंदे भारत नहीं चल रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वंदे भारत चल रही है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं वो भी वंदे भारत से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन दोस्तों, बिहार की जो वंदे भारत है उसकी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी जोर शोर से स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि बिहार से जो वंदे भारत चलेगी वो चलेगी दिल्ली के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि इसकी जो यात्रा होगी वो मात्र 7 घंटे में कवर हो जाएगी। दोस्तों, कौन सी है ये वंदे भारत, क्या सब लिखा गया है इस न्यूज़ पोर्टल में, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। मेरा आपसे आग्रह, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। रिक्वेस्ट करें तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे वंदे भारत की बात करें तो जो मीडिया रिपोर्ट छपी है दैनिक भास्कर अखबार में, उसके मुताबिक मार्च के महीने से हमारी भारतीय रेलवे पटना से लेकर दिल्ली तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस चालू करेगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो ट्रेन है ये मात्र 7 घंटे में पटना से दिल्ली पहुँचा देगी। यहाँ पर जो हवाला दिया गया है उसके मुताबिक हमारी भारतीय रेलवे DDU से यानी कि दीनदयाल उपाध्याय से वाया पटना होते हुए झाझा तक की जो रेल, झाझा तक का जो रेल सेक्शन है उसमें अपग्रेडेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे जो ट्रेनों की अधिकतम स्पीड होगी वो 180 तक होगी, जिसके बाद जो वंदे भारत भविष्य में चलेगी उसे 160 की स्पीड से चलाया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो दिल्ली से पटना की दूरी है वो मात्र 7 घंटे में कवर होगी। दोस्तों, यहाँ पे इसके अलावा भी ये भी बताया गया है कि पाटलिपुत्रा में इसके लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि कोच मेंटेनेंस यूनिट का, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का जो मेंटेनेंस का काम है वो किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो दोनों काम है यानी कि मेंटेनेंस यूनिट का और रेल पटरी अपग्रेडेशन का, दोनों मार्च में खत्म होंगे और मार्च से ही वंदे भारत एक्सप्रेस का चलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं मिलेंगे नेटवर्क साथ, जय हिंद जय भारत।